गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि यह चैप्टर जो है आपको ज्योमेट्री कॉपी में करना है, यानी वन साइड वाली कॉपी जो होती है उसमें आपको करना है। लाइन ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स अलोंग एन एंडलेस स्ट्रेट पाथ इज कॉल्ड ए लाइन। अगर किसी स्ट्रेट पाथ में कोई फिक्स पॉइंट नहीं है तो वह लाइन कहलाएगी। लाइन सेगमेंट ए पार्ट ऑफ लाइन फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट टू द अदर फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। अगर किसी लाइन पर दो फिक्स पॉइंट हैं तो वह लाइन सेगमेंट कहलाएगी। रे ए रे इज ए पोर्शन ऑफ लाइन इट स्टार्ट्स एट वन पॉइंट कॉल्ड इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन ए डायरेक्शन। अगर किसी लाइन के पोर्शन पर एक फिक्स पॉइंट है और दूसरी तरफ फिक्स पॉइंट नहीं है तो वह रे कहलाएगी। इंटरसेक्टिंग लाइन इफ टू लाइंस पास थ्रू ए पॉइंट दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर दो लाइनें किसी फिक्स पॉइंट से ऊपर जा रही हैं तो वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। पैरेलल लाइंस टू लाइंस दे आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अगर दो लाइन किसी एक कॉमन पॉइंट से नहीं जाती हैं तो वह क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। कोलिनियर लाइंस थ्री और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाइज ऑन ए लाइन। अगर तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट किसी एक लाइन पर ही होकर जाते हैं तो वह क्या कहलाएगी? कोलिनियर लाइन कहलाएगी। कॉनकरंट लाइन थ्री और मोर लाइंस आर सेट टू बी कॉनकरंट इफ दे पास थ्रू ए पॉइंट। अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट से होके जाती हैं तो वह क्या आएंगे? कॉनकरंट लाइन कहलाएंगे। जैसे एल लाइन एम लाइन एन लाइन तीनों लाइन पी पॉइंट से होके जा रही हैं तो ये क्या कहलाएंगी? कॉनकरंट लाइन। नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 1 यूज द फिगर टू नेम पार्ट ए 4 पॉइंट्स पार्ट बी ए लाइन पार्ट सी 4 रेस पार्ट डी 3 लाइन सेगमेंट। तो हमें इस डायग्राम को देख के 4 पॉइंट्स बताने हैं। तो 4 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट ए बी सी डी और लाइन। तो हमें लाइन बतानी है तो लाइन हमारी हो जाएगी ई डी। फोर रेज बतानी है हमें तो आपकी हो जाएंगी ए सी हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ए डी हो जाएगी और ए ई हो जाएगी। पार्ट डी थ्री लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट बतानी है हमें तो आपकी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी ए डी हो जाएगी, ए ई हो जाएगी और ए बी हो जाएगी, ए ई हो जाएगी और ए भी हो जाएगी। और आपको जितने भी डायग्राम हैं वो वाइट पेज पे बना लें। क्वेश्चन नंबर 4 यूज द फिगर टू नेम पार्ट ए 2 रेस पार्ट बी द इनिशियल पॉइंट। तो हमें इसे डायग्राम को देखना है और इससे बताना है कि 2 रेस कौन कौन से होंगे। एक तो हो जाएगी ओ ए और एक हो जाएगी आपकी ओ बी। तो ओ ए और ओ बी पार्ट बी द इनिशियल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा? जहाँ से दोनों रेस जाएंगी, यानी ओ से जा रही हैं रेस दोनों, ओ ए ओ बी। तो आपका इनिशियल पॉइंट क्या हो जाएगा? ओ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू।